राधा रानी ही सनातन गोस्वामी पर इतनी कृपा थी कि यह एक और घटना से प्रकट होता है। श्री रूप गोस्वामी ने चाटु पुष्पांजलि की रचना की। उनका प्रथम श्लोक देखकर सनातन गोस्वामी को कुछ संदेह हुआ। श्लोक कुछ इस प्रकार है। नव गोरोचना गोरी परवेंद्री वर्णा मुरा मणि स्वतः कवि घोति वेनी व्यालांग नाफना। सनातन गोस्वामी को लगा कि श्लोक में राधा रानी की वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं। महाभाव्य में राधा रानी के केश भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभाव्य में हैं। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसी है। उसी दिन मधुकरी भिक्षा से लौटते समय उन्होंने देखा कि राधा कुंड के किनारे एक बालिका झूला झूल रही है। सखियां झूला झूल रही है। सहसा उनकी पीठ की ओर देखकर वे खिंच पड़े। लाली सांप सांप तेरी पीठ पर। इतना कह के सांप को हटाने के लिए जैसे ही बालिका की ओर दौड़े, बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और सखियां सहित अंतर्ध्यान हो गई। सनातन गोस्वामी समझ गए कि बालिका स्वयं राधा रानी ही थी। उन्होंने उन्हें यह अनुभव कराने को दर्शन दिए थे कि रूप गोस्वामी ने उनके चोटी की उपमा नागिन से करना ठीक ही दिया है। सांप की तरह लफलफाती उनकी वेणी का दृश्य वे भूल नहीं पा रहे थे। उनमें जैसा आकर्षण था उनसे देख उन्हें बोध आ रहा था कि निश्चय ही उसे देख रसिक शेखर श्याम सुंदर के मन में उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर सर्प के दर्शन का अनुभव करा रही होंगी। उसी समय वह रूप गोस्वामी के पास आए। उनकी परिक्रमा और उनके चरण की वंदना अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले, रूप तुम धन्य हो। राधा रानी की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम्हारे काव्य में कल्पना का लेश भी नहीं है। तुम जो देखते हो उसी का वर्णन करते हो। जय जय श्री राधे।